नमस्कार दोस्तों, मैं सी अनूप भाटिया हाजिर हूँ आपके सामने इनकम टैक्स से रिलेटेड एक डिस्कशन लेकर के। और आज के डिस्कशन में सर, मेरा फोकस इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक पेनल्टी का प्रावधान है, सेक्शन 271 सबसेक्शन एक क्लॉज सी। मैं इस पेनल्टी के प्रोविजंस पर, जिसको हम कंसीलमेंट पेनल्टी भी कहते हैं सर, इस पर आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये कंसीलमेंट की पेनल्टी है क्या सर? देखिए, कंसीलमेंट अपने आप में एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है, नेगेटिव इन द सेंस कंसील करना यानी छुपाना। अगर असेसी ने किसी प्रकार से इनकम छुपाई है और वो डिपार्टमेंट सरफेस पर ले आता है, यानी डिपार्टमेंट उस इनकम को पकड़ लेता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका इनकम टैक्स का असेसमेंट करने के बाद आपके ऊपर कंसीलमेंट की पेनल्टी लगाने के लिए भी बढ़ता है। अब आपको कैसे पता चले कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर कंसीलमेंट पेनल्टी लगाना चाह रहा है? तो सर, जनरली जब असेसमेंट ऑर्डर में आपकी रिटर्न इनकम, जैसे मैंने मान लीजिए 10 लाख रुपए की रिटर्न इनकम भरी और मेरा असेसमेंट 12.5 लाख पर हुआ, यानी मेरी 2.5 लाख रुपए की इनकम बढ़ा दी गई असेसिंग ऑफिसर द्वारा, तो असेसिंग ऑफिसर ये जो 2.5 लाख रुपए की इनकम बढ़ाता है, वो ये मान सकता है कि ये 2.5 लाख रुपए मेरी कंसील्ड इनकम है। क्यों कंसील्ड इनकम क्यों है? तो सेक्शन 271 सबसेक्शन एक क्लॉज सी ये कहता है, यदि आपने मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स किया है, यानी गलत तथ्य दे दिए हैं, या आपने तथ्यों को छुपाया है यानी कंसील किया है, या आपने जो तथ्य रखे उन्हें आप सिद्ध नहीं कर पाए, तो ऐसी परिस्थिति में जो एडिशन वो करेंगे इनकम में, जो बढ़ोतरी वो करेंगे, दैट एडिशन विल बी प्राइमा फेसा इन देयर ओपिनियन ट्रीटेड टू बी कंसील्ड इनकम इन द हैंड्स ऑफ असेसी। अब ये कंसील्ड इनकम का प्रभाव क्या होगा सर? लॉ ये कहता है कि यदि किसी असेसी के हाथ में कंसील्ड इनकम निकल करके आई है, तो ऐसी कंसील्ड इनकम पर जो टैक्स पेबल बनता है उसका 100% से 300% तक की पेनल्टी लग सकती है। जैसे मैंने बोला कि मेरी 10 लाख की रिटर्न इनकम के अगेंस्ट मेरा 12.5 लाख पे असेसमेंट हुआ, तो 2.5 लाख के एडिशन पर मेरे को 30% के हिसाब से प्राइमा फेसाई 75,000 रुपए टैक्स बना। तो अब डिपार्टमेंट मुझ पर 75,000 से लेकर के 2.25 लाख की पेनल्टी लगा सकता है। प्रैक्टिकली वो 100% ही पेनल्टी लगाते, 300 तक जनरली नहीं जाते। तो सर 100% पेनल्टी भी कम नहीं है 75,000 रुपए की पेनल्टी लगना। अब असेसी कैसे इस पेनल्टी को लगने से बचाए, ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि भाई कैसा बचाऊं साहब कि 75,000 मेरे ऊपर ना लगे। तो इसको बचाने का तरीका क्या हो सर, कि आप ये सिद्ध करिए कि मेरी जो इनकम ऐड हुई है सर, वो कंसील्ड इन नेचर नहीं है, वो मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट से नहीं आ रही है, उसमें मेरे ओर से कोई दुराव छुपाव नहीं था, केवल ये एक टेक्निकल ब्रीच ऑफ लॉ हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा एडिशन हुआ, या मैंने उस इनकम को कैलकुलेशन मेरे ओर से जानबूझकर गलत नहीं की गई, या मैंने कोई तथ्यों को अपनी ओर से नहीं छुपाया, कोई लॉ के इंटरप्रिटेशन संबंधी समस्या थी। मैं इसको थोड़ा और स्पष्ट रूप से रखूं सर, तो कोई भी इनकम का एडिशन किसी एसएससी के हाथ में दो प्रकार की डिबेट पर होता है, या तो वो डिबेट या वो इशू क्वेश्चन ऑफ लॉ होती है, या वो डिबेट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर जो मैं करने जा रहा हूं, आप समझिएगा। यदि मेरे इनकम में एडिशन क्वेश्चन ऑफ लॉ के कारण से हुआ है, तो सर कंसीलमेंट की पेनल्टी नहीं लग सकती। यदि हां वो एडिशन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर हुआ है, तो प्राइमा फेसाई कंसीलमेंट पेनल्टी का आधार बनता है। अब एक असेसी को कैसे पता चले सर कि उसके हुआ एडिशन क्वेश्चन ऑफ लॉ है या फैक्ट? मैंने एक प्रॉपर्टी बेची, मैंने बोला जी मैंने ब्रोकरेज 1 लाख रुपए की दी, और आईटीओ महोदय कह रहे हैं लाओ भी प्रूफ लाओ इसका। मैं प्रूफ नहीं ला पाया, मेरे पास एक्चुअली प्रूफ नहीं है कि मैं प्रूफ कर पाऊं कि मैंने 1 लाख किसी को ब्रोकरेज दी, तो आईटीओ ने मेरा एडिशन कर दिया 1 लाख रुपए का इनकम में। तो सर ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है या फैक्ट? ये प्राइमा फेसाई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर किया गया एडिशन, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है? मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी पर, मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी को कंप्यूटर के अंदर शामिल करते हुए 60% या 40% रेट से डेप्रिशिएशन किया, और आईटीओ महोदय कहते हैं कि नहीं साहब डेप्रिशिएशन ये तो नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी है, मैं इसे कंप्यूटर नहीं मानता, मैं इसके ऊपर 15% डेप्रिशिएशन दूंगा। अब यहां डिबेट है, क्या रिलेवेंट प्रॉपर्टी कंप्यूटर है या अदर एसेट है? नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी है तो 15 मिलेगा, कंप्यूटर है तो 60 या 40 एज द केस में भी वो डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये सर डिबेटेबल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इसके ऊपर कंसीलमेंट की पेनल्टी नहीं लग सकती।
क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर प्राइमा फिजाई पेनल्टी लग सकती है, पर असेसी को प्रूव करना है कि उसने जानबूझकर वो गलती नहीं करी, उसका कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं था, उसने तथ्यों को अपनी ओर से नहीं छुपाया था, लेकिन एडिशन हो गया। अब एक और महत्वपूर्ण बात सर मैं यहां पर कर रहा हूं कि मान लीजिए एडिशन हो गया और मैं उस एडिशन को डिबेट में लेना चाहता हूं, यानी उस पर अपील ले जाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा सर कि मेरे इनकम को जो 10 लाख से 12.5 लाख किया गया है, मैं हो सकता है उस पर अपील फाइल करूं क्योंकि मैं 2.5 लाख के एडिशन से संतुष्ट नहीं हूं, ये गलत एडिशन है, तो मैं अपील में जाऊंगा, सीआरटी अपील के पास में प्राइमा फिसाई मुझे जाना है और असेसमेंट ऑर्डर पर अपील करनी है। लेकिन आईटीओ महोदय ने तो मेरा एक असेसमेंट के बाद में पेनल्टी का भी नोटिस देकर के पेनल्टी खोल ली, और मान लीजिए दिसंबर 2018 में मेरे ऊपर असेसमेंट ऑर्डर हुआ था तो 6 महीने का समय जनरली डिपार्टमेंट को मिलता है, तो डिपार्टमेंट 30 जून 2019 तक मेरे ऊपर एक पेनल्टी ऑर्डर पास करेगा, उन्होंने मुझे शो कॉज नोटिस दे दिया। मैं कह रहा हूं नहीं सर, मैं 2.5 लाख रुपए के एडिशन पर ही अपील कर रहा हूं, आप पेनल्टी ना लगाएं, डिपार्टमेंट प्राइमा फिसाई पेनल्टी लगा देगा। मुझे एक लिखित में रिक्वेस्ट देनी है शो कॉज नोटिस के जवाब में कि साहब मैंने पेनल्टी के अगेंस्ट में, मैं ये चाहता हूं, मैंने असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में एक अपील कर दी है, आप कृपया जब तक मेरा असेसमेंट ऑर्डर फाइनल ना हो जाए तब तक पेनल्टी लगाने के लिए रुके रहिए। इससे असेसी को क्या फायदा है सर कि मैं असेसमेंट की अपील लड़ रहा हूं, अगर असेसमेंट की अपील मेरे फेवर में डिसाइड हो गई तो सर डिपार्टमेंट पेनल्टी वैसे ही नहीं लगाएगा, और अगर डिसाइड नहीं हुई तो जब डिसाइड होगी, सीआईटी अपील में मेरे फेवर में डिसाइड नहीं हुई, मान लीजिए 1 साल 2 साल बाद मेरे अगेंस्ट डिसाइड हुई और तब डिपार्टमेंट पेनल्टी लगाना चाहे तो उनके पास ऐसे प्रावधान है कि वो पेनल्टी बाद में लगा ले। तो सर मैं पेनल्टी को एटलीस्ट कुछ समय के लिए पोस्टपोन तो कर सकता हूं, और वो पोस्टपोन करने से क्या है सर, मेरे ऊपर उस पेनल्टी की रिकवरी का दबाव नहीं आएगा। तो मेरा यहां पर एक प्रैक्टिकल आपको सजेशन है सर कि यदि आप असेसमेंट ऑर्डर पर अपील में चले गए हैं और आप पर कंसीलमेंट की पेनल्टी 271(c) में इनिशिएट है, तो आप आईटीओ महोदय को लिखित में दीजिए कि साहब मेरे पर अभी कंसीलमेंट की पेनल्टी ना लगाई जाए जब तक मेरा असेसमेंट ऑर्डर फाइनल नहीं हो जाता। और ज्यादातर केसेस में 99% आईटीओस आपकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप पर फॉर टाइमिंग पेनल्टी नहीं लगेगी, कल असेसमेंट में जो फाइनलिटी आएगी उसके अकॉर्डिंगली 271(c) आपके ऊपर अप्लाई होगी या नहीं होगी, जैसी भी बचत होगी ये होगी। तो ये सर 271(c) के कुछ पक्ष मैंने आपके सामने रखे कि क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट का ध्यान रखिए, आप प्रूव करिए कि आपने जेन्युइननेस के साथ में काम किया था, आपने जानबूझकर तथ्य नहीं छुपाए। और एक बात मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगा कि यदि मान लीजिए मेरे ऊपर असेसमेंट हो गया 12.5 लाख का और मैंने रिटर्न ही नहीं भरी, और 12.5 लाख पर मेरी टैक्स लायबिलिटी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आ गई 2 लाख रुपए और मेरा टीडीएस कटा हुआ है 1 लाख रुपए का, तो सर मेरे ऊपर केवल डिफरेंस अमाउंट 1 लाख के लिए कंसीलमेंट की पेनल्टी लगाई जा सकती है, पूरे 2 लाख की पेनल्टी नहीं लगेगी। ये बात एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 271(c) में की गई कि टू द एक्सटेंट द टीडीएस एडवांस टैक्स सेल्फ एडजस्टमेंट टैक्स हैज बीन पेड बाय द असेसी, टू दैट एक्सटेंट द कंसीलमेंट पेनल्टी कांट बी लेविड अपॉन द असेसी। तो यह भी सर एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। और एक अंतिम बात सर मैं जोड़ूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है और आपके निश्चित रूप से काम में आएगी, कई बार आईटीओस असेसमेंट करते समय एक इंटेंजिबल बेसिस पर असेसी की इनकम में एडिशन करते हैं। ये इंटेंजिबल एडिशन क्या होता है जरा ध्यान से समझिए, मैंने जीपी रेट बताई 5% ग्रॉस प्रॉफिट रेट, आईटीओ ने बोला नहीं साहब 5% कम है, मैं इसे 7% कर रहा हूं। मैंने कहा सर बहुत ज्यादा है, 7% करते ही मेरी तो इनकम 3 लाख बढ़ जाएगी। बोले नहीं नहीं सर, देखिए आपका बुक्स पूरी वेरीफाइबल नहीं है, मैं 7% करूंगा। मैंने कहा ठीक है सर, अब आप देख लीजिए, है ना, 7 ज्यादा है। तो चलिए उन्होंने मेरी बात का थोड़ा मान रखा और 6% इनकम ऐड कर दी, यानी 5% की जीपी रेट को 6% कर दिया। अब मेरा 1% का जीपी बढ़ने से मेरी नेट इनकम मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए बढ़ गई, तो आईटीओ साहब मेरे को एक शो कॉज नोटिस देंगे, साहब मैंने 1 लाख जो ऐड किया है आपने इस पर टैक्स तो दे दिया, मैं पेनल्टी भी लगाऊंगा। जब ये 1 लाख को वो तरीके से ढूंढ नहीं पाए कि क्यों 1 लाख रुपए ऐड किया, एक इंटेंजिबल बेसिस पर, एक एडॉक बेसिस पर उन्होंने एडिशन कर दिया, सर इस इंटेंजिबल एडिशन पर कंसीलमेंट की पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो आपको किसी असेसमेंट प्रोसीजर में फेस करने में, पेनल्टी को लड़ने में काम में आ सकता है। तो सर मुझे जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कंसीलमेंट पेनल्टी से रिलेटेड रखी, वो मैंने आपके सामने रखने का कोशिश किया। यदि आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी कंसीलमेंट पेनल्टी से रिलेटेड होगी तो मैं उसे आंसर करने की
कोशिश करूंगा मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।